माइग्रेंट का क्या मतलब है? एक तो माइग्रेंट करके उन्हें अपने बाहर का कर दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यही सब कुछ अगर 1965 से 70 के बीच में हुआ तो शायद मैं भी 200, 400, 500, 600, 700 किलोमीटर पैदल ही चल पाता, इसलिए कि मैं भी उसी हालत में। क्या वजह है कि अभी तक एक लड़का जो जमीन पे पड़ा हुआ है जख्मी, और पुलिस वाला उसके मुंह पे डंडा मार मार के उससे कह रहा है कि जनगण मन का। जावेद जी, वेलकम टू द क्विंट। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस। आप पहले इंडियन है जिनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लाइक शबाना जी ने बोला, इट डजंट गेट बिगर देन दिस। व्हाट डू यू हैव टू से? मुझे तो मालूम भी नहीं था किस तरह का कोई अवार्ड है, हालांकि मैं रिचर्ड डॉकिंस के काम से बहुत वाकिफ हूँ, लेकिन कोई इस तरह का अवार्ड है कि जो रिचर्ड डॉकिंस फाउंडेशन हर साल देती है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो जब मुझे ये मैसेज आया मिस्टर रिचर्ड डॉकिंस का, तो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे, क्योंकि मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, तो मुझे छेड़ रहा है, मजाक कर रहा है मेरा कोई दोस्त। मगर फिर हमने चेक किया तो सही था उनका जो ट्विटर आईडी था। मुझे बहुत खुशी है और बहुत एक गर्व का भी एहसास हुआ, फिर सच बोलता हूँ, और थैंकफुलनेस भी आई, इसलिए कि पीपल हैव बीन काइंड टू मी, मुझे जिंदगी में बहुत अवार्ड मिले हैं। मुझे अवार्ड अपनी राइटिंग फिल्म के लिए, गाने के लिए या पोइट्री के लिए मिले थे। ये पहली बार मुझे अपने विचारधारा पे मिला, जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरी सोच है, जो मेरा विश्वास है, उस पे मुझे पहली बार एक अवार्ड मिला। तो सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, बिकॉज आपने बोला कि आपकी थिंकिंग के लिए मिला है, इसीलिए लाइक सोशल इश्यूज पर आप हमेशा खुलकर बोलते हैं, फिर कुछ लोग आपको ट्रोल भी करते हैं, आप इनसे कैसे डील करते हैं? कुछ डील नहीं, आमतौर से तो मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन कभी कभार फिर जब मुझे फुर्सत में होता हूँ कि आज कुछ अभी चलो घंटा दो घंटा है, तो मैं फिर कुछ जवाब भी दे देता हूँ इन लोगों को, लेकिन आई डोंट टेक देम सीरियसली। कुछ लोग इस काम पे लगाए भी गए हैं कि भाई तुम ऐसी ऐसी बातों को तुम अपोज करते रहो सोशल मीडिया में, और उनका काम है, वो करते हैं। कुछ लोगों को शौक है, मजा आता है, इसी तरह उनका नाम होता है, और कोई तरकीब तो उनके पास अपना नाम पैदा करने की है भी नहीं। अच्छी बात ट्रोल में मेरे ये है कि मेरे ट्रोल करने वाले सिर्फ एक जगह से नहीं आते, वो हर तरफ से आते हैं। तो जब तक के जो इधर के फंडामेंटलिस्ट और उधर के फंडामेंटलिस्ट दोनों मुझे गाली दे रहे हैं, तब तक मुझे लगता है मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ। किसी दिन एक ने गाली देना बंद कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, रिसेंटली काफी स्टूडेंट्स यूथ जिन्होंने सिर्फ एंटी सीए प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, उन्हें यूएपीए जैसे स्ट्रिंजेंट लॉ के तहत अरेस्ट किया गया है, जिसमें बेल नामुमकिन के बराबर है। क्या पीसफुल प्रोटेस्ट को भी आज जगह नहीं मिलेगी इंडिया में? आपकी इसमें क्या राय है? जो डिस्क्रिमिनेशन और इसमें जो एक बहुत ही रिएक्शनरी अप्रोच है लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का, वो तो बहुत ऑब्वियस है, उसमें कोई शक ही नहीं है। क्या एक्सप्लेनेशन देंगे लोग कि वो लोग जिन्होंने जाके हॉस्टल में जेएनयू में स्टूडेंट्स को मारा, और उसके बाद दो चार दिन बाद वीडियो पे कहा कि हमने किया, वो लड़की जो पहचान ली गई, जो मास्क लगा के गई थी, उसका नाम क्या है वो मालूम हो गया, आज तक मुझे नहीं लगता उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया तक गया है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, वो अरेस्ट नहीं हुए। क्या वजह है कि अभी तक एक लड़का जो जमीन पे पड़ा हुआ है जख्मी, और कितना भी बड़ा बदमाश होगा वो एक दूसरी बात है, बहस नहीं है तो क्या करना था, लेकिन अभी तो जख्मी जमीन पे पड़ा है, और पुलिस वाला उसके मुंह पे डंडा मार मार के उससे कह रहा है कि जनगण मन गाओ, और वो लड़का दो दिन बाद मर जाता है, वो पुलिस वाला सस्पेंड हुआ, अरेस्ट हुआ, क्या हुआ उसका? तो अब इस सरकार जब इस तरह चल रही है बात, तो क्या बोले? इनका यही विश्वास है, यही इनका तरीका है, यही इनका करने का ढंग है, यही इनकी सोच है, आप क्या कर सकते सिवाय इसके कि आप उम्मीद करें कि किसी दिन कोई बेहतर लोग आएंगे, लेकिन इनसे तो यही उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं कर सकते। सर, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, यूएस में अभी ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट के लिए हमारे सेलेब्स भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब इंडिया में बी फ्लिंचिंग की वजह से लोग मारे जाते हैं तो यहाँ के सेलेब्स कभी कुछ नहीं बोलते। आपको लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड है? हमारे मुल्क के सेलेब्स कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते जिसमें उन्हें लगे कि कोई झंझट हो सकता है।
कोई प्रॉब्लम हमें हो सकता है। फैक्ट यह है कि अगर आप उन्हें एकदम कंडेम कर दें वो बात भी ठीक है, हकीकत यह है कि अगर जब उन्हें जबरदस्ती अगर कल को किसी ने मुश्किल में डाल दिया तो उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरिल स्ट्रीप ऑस्कर के स्टेज पे खड़े होके प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के बारे में कुछ भी कह सकती, लेकिन उसके दो चार दिन बाद उनके घर पे रेड नहीं हुआ, उनके इनकम टैक्स अकाउंट्स नहीं खोले गए। तो यहाँ क्या है कि आप देखिए कि जो लोग जरा ज्यादा सर उठाते हैं फिर किसी न किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, पर्टिकुलरली सेलेब आर मोर वल्नरेबल। अगर कोई ऐसी हिम्मत करता है तो अच्छी बात है, मगर नहीं करता है तो उससे क्या शिकायत करें। इसलिए कि हमने देखा है ना कि कहीं किसी ने बोल दिया, और बहुत ज्यादा भी नहीं, कोई ऐसी रेडिकल बात भी नहीं बोली, कुछ कह दिया जो कि शायद उस वक्त की सरकार की मर्जी के खिलाफ था, तो उस आदमी की फिल्म नहीं रिलीज हो पाती बहुत सारी जगहों पे स्टेट। ये लोग सब कांच के घर में हैं, क्या करें बेचारे, तो उनको डर लगता है कि हमने एक कंकर भी फेंक दिया तो हमारे ऊपर तो चारों तरफ से पत्थर आ जाएंगे। हमने देखा क्या हुआ जब ज़ायरा वसीम ने ट्विटर पे कुरान का वर्स शेयर किया, क्या आपको लगता है ट्विटर आदि के रिएक्शंस फेयर थे? ज़ायरा वसीम ने जो बात की वो बहुत ही खराब बात थी और मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। वो किसी भी सोर्स से लाके अगर वो ये बताना चाहें कि ये तो हमको जो वायरस आया है ये खुदा सजा दे रहा है, तो मैं इस तरह की जहालत की बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं, और ये एक बहुत नेगेटिव बात उन्होंने की। और वो बच्ची अच्छा खासा काम वाम कर रही थी, पता नहीं उसका किसने ब्रेन वॉशिंग कर दी, तो वो कुछ अफसोस होता है उसकी बातें सुन। सर अब मुंबई अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे सब दुकानें खुल रही है, लेकिन रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अभी भी इतने सारे केसेस, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, डेथ्स हो रहे हैं बॉम्बे में, क्या आपको लगता है ये जो डिसीशन लिया गया है टू यू नो सब कुछ धीरे धीरे खोलने का स्टेट गवर्नमेंट का, आपको लगता है ये सही है? देखिए ये सही और गलत के बीच में कहीं है। किस्सा क्या है, कभी कभी मैं तो इतना नहीं जानता ना, मैं कोई मेरे पास सर्वे है ना, मैं कोई डॉक्टर हूँ जो मैं बता सकूँ कोरोना का क्या होने वाला है। मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि जब 500 आदमी थे हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में 500 कोरोना के पेशेंट थे तो लॉकडाउन कर दिया गया, और अब हिंदुस्तान में कोई 2.5 लाख 2.75 लाख के करीब है तो लॉकडाउन उठाया जा रहा है, ये मुझे कुछ इलॉजिकल सी बात लगती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अब ये कब तक सब कुछ बंद रखेगा, जिंदगी को तो चलना है ना, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को काम चाहिए, जो कारखाने हैं वो बंद पड़े हैं, मिल बंद पड़ी हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो अब कब तक बंद रखें। मेरे लिए आपके लिए कह देना बहुत आसान है कि साहब ये अभी क्यों हटा रहे हैं और अब ये क्यों खोल रहे हैं, लेकिन अगर बंद रखे तो भी प्रॉब्लम है। तो ये जो है इसका काइंड ऑफ अ नोविन सिचुएशन। लेकिन इस पूरे किस्से में मेरा जो सबसे डीप हर्ट है वो है जो सो कॉल्ड माइग्रेंट। माइग्रेंट का क्या मतलब है, एक तो माइग्रेंट करके उन्हें आपने बाहर का कर दिया, भाई वो हिंदुस्तान के वर्कर्स हैं, यही वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों को चला रहे हैं, यही तो काम करते हैं, यही बिल्डिंगें बनाते हैं, यही कारखाने चलाते हैं, यही फैक्ट्री चलाते हैं, ये माइग्रेंट हो गए अचानक। इनके साथ जो हुआ है और इनकी जो पूछ नहीं हुई, ये बहुत अनफेयर बात, गलत बात। मैं तो कंफर्टेबली अपने घर में बैठा हूँ, शुक्र है मेरी समाज मेरे मुल्क ने मुझसे बहुत काइंडनेस की है कि मैं आज इस पोजीशन में हूँ। मैं तो फुटपाथ पे भी सोया हूँ, स्टेशन पे और पार्क में सोया हूँ, लेकिन आज मैं बड़े आराम से बैठा हूँ। लेकिन ये लोग, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, मुझे अंदाजा है कि इनकी क्या तकलीफ है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यही सब कुछ अगर 1965 से 70 के बीच में हुआ होता तो शायद मैं भी 200, 400, 500, 600, 700 किलोमीटर पैदल ही चल रहा हूँ, इसलिए कि मैं भी उसी हालत में था। और इनकी किसी ने परवाह नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट, वो गवर्नमेंट हो या प्रिविलेज सोसाइटी, इनकी परवाह अगर किसी ने की है तो गरीब आदमी ने की है। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है, और एस्टेब्लिशमेंट से मेरा मतलब सिर्फ सरकारें नहीं है, वो लोग जिन्होंने अपनी फैक्ट्री के दरवाजे इन मजदूरों के मुंह पे बंद किए थे, वो भी एस्टेब्लिशमेंट। अरे 20-21 दिन की बात हो रही थी ना, तुमने 20-21 दिन तुम अपने मजदूर को खाना नहीं खिला सकते हो जो बरसों से तुम्हारी फैक्ट्री चला रहा है, शर्म की बात। Absolutely agree with you, sir. मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी सर, लॉकडाउन कैसा जा रहा है सर आपका? बहुत सारी फिल्म देख रहा हूँ ओटीटी पे,
अच्छे सीरियल्स, और फिर मैं और शबाना तो 36-37 साल हो गए हम लोग की शादी को, जिंदगी में कभी एक साथ इतने दिन रहे नहीं थे, तो हमारा तो रिलेशनशिप मोस्ट ऑफ द टाइम वाया सैटेलाइट होता था, तो वो किसी शहर में, मैं किसी शहर में, कहीं दो दिन साथ हुए, फिर वो कहीं चली गई, फिर मैं कहीं, ऐसे रहते थे हम लोग। तो ये पहली बार है इन 36-37 ईयर्स दैट फॉर ऑलमोस्ट 3 months वी आर अंडर द सेम रूफ। आई होप झगड़े ना हो रहे हो सर। नहीं नहीं, बट तो भाई हमारा तो रोमांस अब शुरू हो रहा है, मुलाकात ही नहीं होती थी ना, तो अब ये जो है हमारा अफेयर शुरू हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।